Okay, so in this section, we are going to talking about the for loop, how will be used, and we are going into the coding section of the for loop, and we have to the better understand. But before that, I am going to tell you what are we going to do with the help of for loop. We are going to print the this type of star. I want to structure and pattern to like this one. Okay, so this type of structure I want to print. Like a first star, second, third, fourth, fifth. This star I want to print in this way, in this pattern. तो यहाँ पर देखो, मैं इससे stars को print करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर मेरे को आप क्या repeating logic है, क्योंकि एक star यहाँ पर है, second star यहाँ पर है, third star यहाँ पर है, fourth is going on and fifth one. So repeat हो रही है, क्या repeat हो रहा है, star repeat हो रहा है हर एक जगह. तो जब ऐसी कोई रिपीटिंग लॉजिक होगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ रिपीट करती है तो वहाँ पर हम लूप को यूज करेंगे इन प्रोग्रामिंग में. तो यहाँ पर हमें क्या लॉजिक दिख रहा है कि स्टार हर एक जगह प्रिंटेड हो रहा है. यहाँ पर भी स्टार है, इस पोजीशन पर भी स्टार है, इस पोजीशन पर भी स्टार है, ठीक है. और डेट्स अ स्टार इज गोइंग टू प्रिंटेड एवरी वन. तो हमने पहले देखा कि स्टार जो है प्रिंट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम फॉर लूप को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है. तो पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहला पोजीशन होगा, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, और इस पोजीशन पर स्टार हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू राइट द कोड. तो हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, टोटल 5 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है, राइट. तो पहले मैं स्टार्टिंग जो है लूप की जो स्टार्टिंग कराऊंगा, जो इनिशियलाइज कराऊंगा, वो मैं पहले इस पोजीशन को स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट पोजीशन को, ठीक है. और मुझे डेस्टिनेशन कहाँ पर देना होगा, इस वाले पर आकर, मतलब मुझे फिफ्थ पोजीशन पर आकर मुझे डेस्टिनेशन देना है, इस पोजीशन पर, ठीक है. तो मेरा स्टार्टिंग यहाँ से होगा, क्लियर है, और एंडिंग आकर यहाँ पर करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट. सो वी हैव टू द इनिशियलाइज दिस वन and go to the destination here. So now I am going to write a code for that, and we have to the understand. So we are going into the code blocks IDE. So who is the new? I am just going to the right on the file. में जाएंगे आप new और project option में जाएंगे, ठीक है. अपने project को कैसे आप बनाएंगे, create करेंगे. Project option में जाने के बाद आप console application पर जाएं, go option पर click करें, next, और यहाँ से C को choose करें, क्लियर है. देन नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का नेम राइट करते हैं. तो अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं फॉर लूप, तो मैं इसका आपको फॉर लूप ही इसका मैं नेम दे देता हूँ, गेटिंग पॉइंट. नाउ वी हैव टू द गो टू द नेक्स्ट फिनिश. सो नाउ वी हैव टू द क्रिएटेड द प्रोजेक्ट, बट राइट नाउ हियर ऑन द फ्रेम कोड इज नॉट कमिंग. सो यहाँ पर हमारी कोड कमिंग नहीं हो पा रही, वी कांट विजिबल हियर. So if I have to see this, go to the your project. This is the for loop. On the sources file के अंदर जाओगे, यहाँ से इसको expand करोगे और main.c file को open कर दोगे. So now see that your code is open on the C programming. So अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस printf function को मैं यहाँ से out कर दे रहा हूँ. और अभी जो हमारा intention है वो ये देखने का है कि हम star कैसे print करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग for loop यूज करने जा रहे हैं. तो देखो, मैं यहाँ पर for कीवर्ड को write कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दोगे कि मैंने पोजिशन नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5. तो हम इंटीजर फॉर्म में पोजिशन नंबर को कंसिडर करेंगे, तो हम पोजिशन नंबर को इनिशलाइज करेंगे. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डेटा को इनिशलाइज करूँ, तो बिफोर, इससे पहले आपको एक वेरिएबल लेना होगा जो इनिशियल वैल्यू को स्टोर करेगा. तो हमने बोला जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैंने बोला एक्स, जो एक्स जो है वेरिएबल, क्योंकि मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना होगा तो उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए प्रोग्रामिंग में. तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल आउटर साइड में डिक्लेयर किया फॉर लूप, फॉर के बाहर. और किस टाइप का डेटा ये लेगा, इंटीजर टाइप का. इंटीजर क्यों दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, तो ऑब्वियसली ये जो डेटा है वो इंटीजर है. यस और नो, दिस डेटा इज अ इंटीजर और नॉट, 1, 2, 3, 4, 5 इन द सी प्रोग्रामिंग. सो दिस इज डेटा इज योर इंटीजर. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग द इंटीजर डेटा हियर, इंटीजर डेटा टाइप, ओके. और वी आर गिविंग द वेरिएबल नेम इज द एक्स. नाउ आई एम कमिंग टू द फॉर लूप, and here inside that for I am going to open and closing.
जैसे मैं कोड्स को राइट कर रहा हूँ वैसे ही आप सेम राइट करोगे, पहले ऐसे राइट कर लोगे, ठीक है, ओपन कर लोगे, क्लोज कर लोगे। अब हम पैरेंथिसिस के अंदर आते हैं और एक्स जो है इनिशियल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हमने बोला एक्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर, प्लीज़ कम टू डैट, एक्स को हमने बोला वन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, मतलब एक्स की जो हमारा लूप होगा वो फर्स्ट पोजिशन से स्टार्ट करेगा और उसके बाद हमें कंडीशन देनी होती है। तो एक्स और हमें कंडीशन देना है फाइव तक जाना है, तो हमने बोला लेस देन इक्वल टू फाइव, सॉरी लेस देन इक्वल टू फाइव, ओके ये हमारी कंडीशन हो गई, हमें फाइव तक जानी है और एक्स इंक्रीमेंट करते जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर में वन वन इंक्रीमेंट होगी ना, तो डैट्स वाई आई एम गिविंग ईयर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक्स यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर दिया, ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को, कंडीशन दे दिया और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग विद दैट सेक्शन ईयर और यहाँ पर प्रिंटेफ फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं और प्रिंटेफ फंक्शन में हमने बोला मुझे स्टार को प्रिंट करना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर स्टार दे देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेमी कॉलम से टर्मिनेट किया, तो स्टार को मैंने डबल कोट में रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि प्रिंटेफ फंक्शन स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, तो डबल कोट के अंदर कोई भी डेटा दोगे वो स्ट्रिंग हमेशा समझेगा, इज गेटिंग द ऑल द थिंग्स। सो नाउ वी आर रेडी टू दिस एंड वी हैव टू द अंडरस्टैंड, मैं अब इस कोड एंड लॉजिक को आपको क्लियर करता हूँ। तो देखो एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है एक्स और जो वन को होल्ड किया हुआ है, तो हम पोजिशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाते हैं वन टू थ्री, सॉरी थ्री फोर एंड फाइव, ओके नाउ दिस इज द पोजिशन नंबर। तो एक्स वन पर है, तो एक्स जो है वेरिएबल इस डेटा को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में वेरिएबल यहाँ पर है ये कोड के बाहर में, लेकिन जैसे ही ये वेरिएबल लूप के अंदर आ जाएगा ना तो ये हमारा आगे हम आपको बताएंगे यही वेरिएबल बन जाता है पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट इन द लूप। सो आई एम कमिंग जस्ट एज सुन एज ऑन द पॉइंटर कॉन्सेप्ट, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस कोड इज रनिंग, ओके एंड वाट इज आवर इंटेंशन। तो एक्स की वैल्यू वन है, तो एक्स को हमने वन पर यहाँ पर सेट कर दिया है, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन लेस देन इक्वल टू फाइव, यहाँ पर कंडीशन को देखेंगे, वन जो है लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कहेंगे वन जो है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू फाइव। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर, क्योंकि फाइव से वन छोटा है। राइट, सो यस दिस कंडीशन इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर वाला जो पार्ट है, जो बॉडी के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर का जो कोड है हमारे पास ये प्रिंटेफ फंक्शन है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। तो पहले बार में यहाँ पर स्टार प्रिंट कर देगा, ये फर्स्ट टाइम में, क्लियर है, यहाँ स्टार प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड टाइम में चलते हैं, तो जब सेकेंड टाइम्स में लूप जाएगा तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी, तो एक्स की वैल्यू वन से हो जाएगी टू, तो पॉइंटर जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टू पर, ठीक है। अब टू लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन अगेन चेक होगी, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, यस और नो, दिस कंडीशन इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू है, तो अगेन लूप के अंदर सिग्नल आएगा और इस प्रिंटेफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो सेकेंड टाइम में यहाँ पर स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ अगेन एक्स विल बी द इंक्रीमेंट, अब सिग्नल यहाँ पर आएगा, तो दैट इज द एक्स विल बी द इंक्रीमेंट हियर, तो एक्स की वैल्यू टू से कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, ठीक है। नाउ थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन अगेन ट्रू है, सो अगेन प्रिंटेफ फंक्शन में स्टार प्रिंट करेगा और यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर आपका स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कोड, सो अब ये थर्ड हुआ, अब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर, फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ प्रिंटेफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा पॉइंटर यहाँ पर फोर्थ पोजिशन पर आ चुका है और यहाँ पर स्टार प्रिंट कर गया, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू फाइव होगी, इंक्रीमेंट करेगी अब, तो फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, अगेन स्टार प्रिंट करेगा, तो पॉइंटर फाइव पर आ चुका है और यहाँ पर स्टार प्रिंट कर चुका है, गॉट इट। नाउ एक्स की वैल्यू सिक्स होगी, अब इंक्रीमेंट करेगी तो एक्स की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स हो गई,
तो सिग्नल लूप के बॉडी के अंदर नहीं एग्जीक्यूट होगा, सिग्नल यहाँ से बाहर हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल बैक टू द गो, क्लियर है? सो लूप वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है? सो इन दैट वे योर ऑल द स्टार विल बी प्रिंटेड एंड दिस कोड विल बी द रन। आई होप ऑल ऑफ टू गेटिंग टू दिस पॉइंट। थैंक यू टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन।